हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो चार धाम हैं उत्तराखंड के, इनको कवर कर सकते हैं अपनी सीएनजी गाड़ी से। और मैंने कई वीडियोज़ अपनी पुरानी अपलोड की हैं, जो मैंने फरवरी में मैं गया था उत्तराखंड, तो उस टाइम कई लोगों के उसमें कमेंट आते हैं कि क्या वो अपनी जो भी उनके पास हैचबैक गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर कई लोगों के वैगनार को लेके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं वैगनार वाली मैंने वो पूरी सीरीज़ डाली थी, तो वो लोग पूछते हैं क्या उनकी गाड़ी वहाँ तक जा सकती है सीएनजी वाली, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं, तो मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। मैंने स्टार्ट किया था गुड़गांव से और मैं गया था रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद आसपास घूमा था मैं वहाँ, तो लगभग मेरे ख्याल से जो मैंने पूरी गाड़ी वहाँ चलाई 1500 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी, यानी गुड़गांव से उत्तराखंड और टोटल आना जाना इसमें और वहाँ का लोकल घूमना। तो मैं पूरा आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आएगा और आपकी आने वाली जो जर्नी है, आप लोग जो चाह रहे हैं कि कई लोग मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, जो भी टाइम पीरियड में अपना प्लान कर रहे हैं, तो उनको ये एक हेल्प हो सकेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं उत्तराखंड के पहाड़, और ये आज यहाँ से आगे जाके आपको लास्ट पड़ेगा सीएनजी पंप, जो कि है ऋषिकेश में, उसके ऊपर आपको कहीं पे भी सीएनजी पंप नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप अपनी सीएनजी रिफिल करवा सकते हैं। और इसके बाद आई वुड सजेस्ट कि जब आप लोग ऊपर की तरफ चढ़ें तो पहाड़ यानी ऊंचाई स्टार्ट हो जाएगी, तब आप अपनी गाड़ी, अगर आपके पास 1000 cc या 1200 cc तक की कोई गाड़ी है, तो उसको पेट्रोल में कर लीजिए, और ऊपर की तरफ जितना हो सके, जहाँ तक आपको ऊंचाई लगती है वहाँ तक आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल में चलाएं। इसके अलावा ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती। मेरी गाड़ी में हम चार लोग बैठे हुए थे, प्लस सीएनजी और थोड़ा बहुत सामान, तो ऊपर चढ़ते समय कोई खास दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पेट्रोल में ही गाड़ी हमने ऊपर की तरफ ले गए थे। और बाद में जहाँ पे आप जैसे ये रोड देख रहे हो, ये मैं ऑफ रोड भी गया था, और इसके अलावा इधर उधर जो मैंने आपको बताया, मैंने 1500 किलोमीटर चलाई गाड़ी, तो जहाँ जहाँ ऊंचाई के पर्वत थे वहाँ मैंने गाड़ी पेट्रोल में ही चलाई, और जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तब हमने सीएनजी में चलाई। तो अगर आप लोग केदारनाथ या बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर आपकी गाड़ी में चार सीटिंग कैपेसिटी है तो चार ही लोग जाएं, ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा आप लोग चले जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा लोड पड़ जाता है, कंसिडरिंग जो हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं उनके ब्रेक शू का इशू आ जाता है। तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की थी अपनी गाड़ी को, जब मैं ऊपर की तरफ ले गया था, उसके ब्रेक पैड गर्म होने के कारण लग नहीं रहे थे, तो आप हर 2-3 घंटे में एक ब्रेक जरूर लें, आधे घंटे का, ताकि गाड़ी स्मूथली चल सके। और दूसरी बात ये रहेगी, जब भी आप अपनी यात्रा प्लान करेंगे तो आप एक सर्विस चेक जरूर करवाना गाड़ी का, क्योंकि अगर इस रोड पे कुछ गाड़ी में दिक्कत आती है तो आपको इतनी जल्दी कोई जो अच्छे मैकेनिक होंगे वो नहीं मिल पाएंगे। मेरी गाड़ी में एक अल्टरनेटर का इशू आ गया था मुझे, तो वो लकली ये था कि वहाँ से तो चलती हुई आ गई थी गाड़ी, और जहाँ मेरा घर था यानी गुड़गांव, वहाँ जाके जैसे ही मैं आ रहा था तो आधे रास्ते में वो ख़राब हो गया था, और यहीं आके वो ठीक करवाया मैंने। तो आप ये एक ध्यान रख सकते हैं, जब भी आप अपनी गाड़ी लेके जाएं तो उसका एक प्रॉपर चेकअप, और ब्रेक शू और ब्रेक पैड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सीएनजी की गाड़ी है तो आपके नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि यहाँ डिज़ायर और आर्टिका, कई जो टूर एंड ट्रैवल वाले होते हैं वो ज़्यादातर इसी में चलाते हैं, सीएनजी वाली लेके आते हैं और ऊपर की तरफ पेट्रोल कर देते हैं, और जब नीचे की तरफ आते हैं यानी वापसी करते हैं तब वो अपनी गाड़ी को उसमें सीएनजी में लेके आते हैं। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी ज़्यादा आप यानी जो उसकी कैपेसिटी है गाड़ी की, लोडिंग कैपेसिटी है, तो अगर आप उसके हिसाब से ही लोगों को लेके जाएंगे उस गाड़ी में तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और मेन जो इशू है ब्रेक का आएगा, अगर आपने रेस्ट नहीं दिया गाड़ी को या आप फ्रिक्वेंटली ब्रेक का यूज़ करते हैं, तो आप एक ये पॉइंट ध्यान में रख के गाड़ी में ब्रेक लेते रहें थोड़े थोड़े देर बाद। और ऊपर की तरफ आपको कहीं सीएनजी पंप नहीं मिलेगा, वापसी ऋषिकेश में ही आप सीएनजी रिफिल करवा सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने पूरा गैरसैंण और कार्तिक स्वामी तुंगनाथ की साइड जो पड़ता है वहाँ तक मैं गया था अपनी गाड़ी में, कहीं भी गाड़ी में कोई परफॉर्मेंस की इशू नहीं आई, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल में चल रही थी। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपकी हेल्प हो जाएगी जब आप नेक्स्ट टाइम इस यात्रा पे जाएं। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।